So first is Global Livability Index, is released by Economist Intelligence Unit. Index ranks, यहाँ पर कौन रिलीज करते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. एंड इंडेक्स रैंक्स 140 ग्लोबल सिटीज बेस्ड ऑन देयर लिविंग इन कंडीशन. तो यहाँ पर 140 जो ग्लोबल सिटी है तो उनमें लिविंग कंडीशन क्या दिखाया जाता है और उन स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर क्या है, कैसे, कल्चर एंड एनवायरमेंट कंडीशन क्या है, एजुकेशन कंडीशन क्या है, तो उसको दिखाते हैं. तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर को दिखाते हैं. रैंक्स जहाँ पर फर्स्ट जो है वियना फर्स्ट हुआ है इस साल, वियना ऑस्ट्रिया का. तो उस पर सेकंड हुआ है मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का, मेलबोर्न सेकंड हुआ है. थर्ड है ओसाका इन जापान, जापान थर्ड है. नो सिटी फ्रॉम यूएस इन टॉप रैंक, तो यूएस का कोई भी सिटी टॉप नहीं है. जहाँ पर पाकिस्तान का जो कराची है उनका 137 रैंक है, और ढाका बांग्लादेश का जहाँ पर 139 रैंक है. तो सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स में ओनली टू फ्रॉम इंडिया, जहाँ पर दिल्ली जो है 112 रैंक और 117 रैंक जो है मुंबई. और भीम है अपने नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, भीम यूपीआई 2.0 लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई. कौन लॉन्च करते हैं ना, एनपीसीआई. और भीम ऐप को लॉन्च किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई ये सिस्टम, कौन क्या है यूपीआई, ये सिस्टम टू एड इंस्टेंट ट्रांसफर, जहाँ पर मनी ट्रांसफर किया जाता है यूजिंग ए कैशलेस सिस्टम हमने यूज करते हैं. लेटेस्ट वर्सन हैज फोर न्यू फीचर्स, जहाँ पर लेटेस्ट जो वर्सन है उसका फोर फीचर्स दिया गया है. लेकिन देखिए फीचर्स के क्या क्या है यूपीआई का. देखिए ये सिस्टम है एक टू एड इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं मनी यूजिंग कैशलेस सिस्टम, लाइक बैंकिंग सिस्टम से आप और एक बैंकिंग को कैशलेसली फोन के साथ और इंटरनेट के कोई भी माध्यम के साथ आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जहाँ पर जो चार जो लेटेस्ट वर्सन में फोर फीचर्स दिया गया है, लाइक लिंकिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट, अब लिंक कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट को साथ. और वन टाइम मैंडेट्स ट्रांजेक्शन कैन बी लेटर आफ्टर कमिटमेंट, वन टाइम मैंडेट्स दिया गया है. और इनवॉइस इन द इनबॉक्स, इनवॉइस लिए आप इनबॉक्स में जा सकते हैं, देख सकते हैं टू चेक वेदर मनी कमिंग फ्रॉम द राइट मर्चेंट, क्या राइट मर्चेंट से पैसा आ रहा है आपको वो देख सकते हैं. साइंड इंटेंट क्यूआर, दिस फीचर इज फॉर कस्टमर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी, जब कस्टमर चेक कर सकते हैं उसका ऑथेंटिसिटी, और मर्चेंट्स देख सकते हैं, मर्चेंट को देख सकते हैं. तो नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, जिसका एम्स क्या है, टू ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन बेनिफिशियल रोल इन सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एंड मिनिमाइज नाइट्रोजन नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव जो है उसका एम क्या है, ऑप्टिमाइज यूज कर सकते हैं और बेनिफिशियल रोल ऐसे हम करेंगे नाइट्रोजन को, और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम में हमने इसको यूज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा कम यूज कर सकते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ को ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट फैलते हैं, तो उसको हमें मिनिमाइज करना चाहिए. तो उसके बारे में बोल रहा है इसका एम, तो सेट अप इन 2004. और नांदुला रघुराम इज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू बी इलेक्टेड टू द चेयर ऑफ INI, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का चेयरमैन बना है इंडियन एंड एशियन, नंदलुला रघुराम. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जहाँ पर इंडिया जो रिटर्न टू बी टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इंडिया रिटर्न टू इंडिया लिखा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ UN प्रपोजिंग डिक्लेरेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात कर रहे हैं. मिलेट्स आर स्मार्ट फूड, जहाँ पर मिलेट जो है स्मार्ट फूड है, गुड फॉर यू हेल्थ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गुड फॉर फार्मर के लिए भी बहुत अच्छा है, गुड फॉर प्लानट के लिए भी बहुत अच्छा है. लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है, इट इज ए मैसिव
ऑब्जर्वेटरी फॉर डिटेक्टिंग कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव। देखिए ये एक मैसिव ऑब्जर्वेटरी फॉर जहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव को, एंड फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट में भी हमने इसको यूज करते हैं। लिगो इंडिया प्रोजेक्ट इट इज़ ए पायलट पायलटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी DAE एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको यूज करते हैं, प्रोजेक्ट को चलाते हैं। इट इज़ पायलटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी DAE एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST। तो उसके बाद देखेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। ये ग्रेविटेशनल वेव्स आर द डिस्टर्बेंसेस इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। स्पेस टाइम्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, जनरेट बाय स्पीड ऑफ लाइट, जो जनरेट करते हैं लाइट का स्पीड को, और इस टू शो केस इट्स बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट, और इस दिखा रहा है उसका बायोडाइवर्सिटी बाय सेटिंग अप ए वर्ल्ड क्लास इंटरप्रिटेशन सेंटर एट, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास सेटिंग अप कर रहा है वर्ल्ड क्लास इंटरप्रिटेशन सेंटर एट दंगमाल नियर भितरकनिका में उन्होंने कर रहा है, भितरकनिका नेशनल पार्क में। और बाउला प्रोजेक्ट जहाँ पर दंगमाल में हो रहा है, एंड बाउला उड़िया मीन्स सॉल्ट वाटर कोकोडाइल, जहाँ पर सॉल्ट वाटर कोकोडाइल भी वहाँ पर है, टू इंक्रीज कोकोडाइल पॉपुलेशन को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, टू इंक्रीज कोकोडाइल पॉपुलेशन। घड़ियाल जो है गैबियल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, जो फिश खाते हैं। तो घड़ियाल क्या है ना, गैबियल और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, IUCN रेड लिस्ट के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीड में आते हैं रैंक में, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है घड़ियाल, तो प्लीज रिमेंबर। तो अगेन देखेंगे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज बाई इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इंपॉर्टेंट है इंडेक्स में रैंक्स 140 ग्लोबल सिटी का रैंक दिखाते हैं, जहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स हैं, पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी क्राइम एडुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। टॉप कौन किया है, टॉप है वियना ऑस्ट्रिया, उसके बाद मेलबोर्न, उसके बाद ओसाका जापान, उसके बाद टोरंटो कनाडा एंड वैनकूवर कनाडा, टोक्यो जापान। तो ये पर जापान और टोरंटो भी बहुत अच्छा काम किया है, मतलब कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया सिटीज इन टॉप 10 एंड नॉट ए सिंगल US सिटी, सिंगल US सिटी नहीं है। ढाका का 139, डेमास्कस का 140, न्यू दिल्ली का 112, मुंबई का 117। NPCI लॉन्चेस, देखिए UPI 2.0 के लॉन्च किया है एज एन अपग्रेडेड एंड रिन्यूड वर्सन जो है ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहाँ पर यूनिफाइड UPI के अंदर आते हैं, जहाँ पर UPI डेवलप कौन किया है, NPCI RBI एंड बिल्ट ऑन IMPS एंड NPCI एज सेंट्रल स्विच। रिक्वायरमेंट्स फॉर UPI के लिए अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, द स्मार्टफोन एंड बैंकिंग ऐप। UPI लाइकली टू रिप्लेस करंट नीट RTGS एंड IMPS, UPI जो रिप्लेस किया है। ओके, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव क्या है, साइंटिस्ट नंदुला रघुराम जो इलेक्टेड हुआ है चेयर ऑफ INI का चेयरमैन हुआ है, चेयर लिया है साइंटिस्ट नंदुला रघुराम। ओके, इज फर्स्ट इंडियन एशियन टू बी इलेक्टेड टू चेयर ऑफ INI का चेयर लिया है। INI एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम, INI जो है इंटरनेशनल प्रोग्राम सेटअप किया गया है 2003 में अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ साइंटिफिक कमेटी एंड ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट। ओके, INI क्या है, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है सेटअप किया गया है 2003 के अंदर, कि कौन स्पॉन्सर किया है, स्पॉन्सरशिप ऑफ साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट स्कोप स्पॉन्सर कर रहा है, एंड इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम एंड IGBP। तो ये था INI एन इंटरनेशनल प्रोग्राम जिसको 2003 में सेटअप किया गया है, जिस जहाँ पर स्कोप एंड IGBP भी काम करेगा, इसका अंदर आएगा और होल्ड्स कॉन्फ्रेंस वंस इन 3 ईयर्स होगा, कोऑर्डिनेटेड बाय स्टीयरिंग कमेटी लेड बाय द चेयर, ये चेयर एंड 6 रीजनल सेंटर भी काम करेगा, डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग एशिया अफ्रीका ईस्ट एशिया साउथ एशिया अमेरिका नॉर्थ अमेरिका लैटिन अमेरिका यूरोप, वो भी काम करेगा, अफ्रीका भी काम करेगा।
The Coordinated Steering Committee, by Steering Committee, chaired by six regional center directors. International Year of Millets, जहाँ पर photo intensive and resilient to climate change, जो millets बहुत ही अच्छा है, resilient है और to climate change के लिए. Powerhouse of Nutrients, जो है super, जहाँ पर power बहुत ज़्यादा nutrient रहते हैं. Superior to wheat and rice, और are gluten free, have a low glycemic index. जहाँ पर India wrote a to FAO proposing declaration of 2019 as इंडिया लिखा है FAO को, जहाँ पर 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषणा किया जाए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफर्ट्स नोटिफाइड मिलेट्स एज, यहाँ पर मिलेट्स क्या है, न्यूट्री सीरल्स और अलाउड इट्स इंक्लूजन इन PDS, जिसको PDS में उसको इंक्लूड किया गया है. हाइक्ड MSP ऑफ मिलेट्स. लेटेस्ट इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो प्रोजेक्ट विल ओपन एन अनप्रेसिडेंटेड न्यू विंडो टू कॉस्मोस. ए मैसिव ऑब्जर्वेटरी फॉर डिटेक्टिंग, जहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स को. एंड कैरिंग एक्सपेरिमेंट्स लिगो इंडिया प्रोजेक्ट, जहाँ पर पायलटेड बाई DAE एंड DST, जिसके पायलट कौन करते हैं, DAE एंड DST, बाई थ्री इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर जो है उसके साथ काम कर रहे हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे, एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च IPR एंड गांधीनगर, एंड राजा रमाना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT इंदौर. तो ये तीन इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है लिगो एंड इंडिया प्रोजेक्ट. ओके, पायलटेड बाई DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST. तो इसके बाद भितरकनिका नेशनल पार्क जो है उनके बारे में देखेंगे लास्ट. भितरकनिका पार्क जो है नेशनल पार्क उड़ीसा में, उड़ीसा गवर्नमेंट सेटिंग कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास इंटरप्रिटेशन सेंटर एट धंगामाल नियर BNP. तो वहाँ पर उनको प्रोजेक्ट को उनको एस्टेब्लिश कर रहा है, सेटिंग कर रहे हैं भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर. तो वहाँ पर तो साथ फेमस फॉर इट्स ग्रीन मैंग्रोव, जहाँ पर ग्रीन मैंग्रोव रहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड रहते हैं, टर्टल्स रहते हैं, एस्टुराइन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी देखते हैं, क्रिक्स भी रहते हैं. तो बावला प्रोजेक्ट एट धंगामाल, जहाँ बावला प्रोजेक्ट भी वहाँ पर है धंगामाल में. बावला क्या है, उड़िया टर्म, जहाँ पर सॉल्ट वाटर जिसको कहते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बावला को, और घड़ियाल जो है वो वहाँ पर ही है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है और IUCN रेड लिस्ट के अंदर शेड्यूल 1 स्पीसीज के अंदर आते हैं. प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का हुआ था 1975 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UNDP एंड FAO ने सब मिलकर उनको जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा था. तो थैंक यू, हमने पूरी की पूरी आज का जो करंट अफेयर डिस्कस कर लिया. थैंक यू.